हाय दोस्तों, साड़ों के इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज अपने पास एक स्प्रे पंप रिपेयरिंग को आया हुआ कस्टमर का है। उनका कहना था कि उनको मालूम नहीं था पंप में प्रॉब्लम है या चार्जर में प्रॉब्लम है। उनके दिमाग में ये था दोस्तों, कभी इसमें पंप में प्रॉब्लम है तो थोड़ा बहुत तो चल रहा है वो, और चार्जर में कभी प्रॉब्लम है तो ऐसा पिन लगा के चेक करते थे वो। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये लाइट जल रहा है लेकिन उनका पंप चार्जिंग नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, ये देखिए लाइट जल रहा है, तो इसके हिसाब से उनका कहना था कि चार्जर चालू है लेकिन चार्जिंग भी तो नहीं हो रहा, दोनों में से उनको फॉल्ट कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों, अपन लाइन इन करके देखते हैं इसको। ये देखिए, ये लाइन अपन ने इन कर दिया, बटन भी ऑन है। देखिए दोस्तों, इसमें अपन ने ये सब अभी लाइट इन भी हो रहा है, आउट भी ग्रीन भी लग रहा है और रेड भी लग रहा है। दोस्तों, फिर भी इनकी अब स्प्रे पंप चार्जिंग नहीं हो रहा है। चलो देखते हैं अपन प्रॉब्लम क्या है इसमें, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम तो इसमें नॉर्मली होता है लेकिन किसानों को कुछ मालूम नहीं होता है, तो किसान नवा चार्जर ले लेते हैं, नवा स्प्रे पंप ले लेते हैं, लेकिन अपन ने इसमें जो सोल्यूशन निकालना है वो बहुत ज़रूरी है। चलो दोस्तों, अपन इसको खोलते हैं। अपन ने चार्जर खोल के ओपन कर लिया अभी। चलो देखते हैं, इसका चेकिंग एक प्रोसेस रहता है दोस्तों, वो चेकिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, अपन ने इसमें अभी लाइन इन कर दिया। लाइन इन करने के बाद में इसमें वोल्टेज आता है या नहीं आता है ये देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, 20 वोल्ट पे सेट कर लिया, क्योंकि इसमें 13 वोल्ट आना ज़रूरी है, 13.5 13.5 ऐसा वोल्टेज आना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, इसमें तो कुछ वोल्टेज आ रहा ही नहीं, कुछ भी नहीं वोल्टेज आ रहा, फिर भी जब भी अपन इसको पंप में लगाते, पंप में इसका पिन इन करते हैं तो इसमें एक लाइट जल जाता है। और ये देखिए, लाइट ग्रीन होने के बाद में जब इसमें अपन इन भी डालते, इन लाइन करते तो रेड भी लग जाता है, लेकिन ये पंप चार्जिंग नहीं होता। चलो दोस्तों, आप उन फॉल्ट क्या है इसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, चार्जर में जब प्राइमरी सेक्शन में वोल्टेज क्लियर हो, ये देखिए यहाँ पे 450 वोल्ट का कंडेंसर है, यहाँ पे कभी वोल्टेज क्लियर हो तो प्राइमरी सेक्शन ओके रहता है। ये देखिए, दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। दोस्तों, ये देखिए, डीसी वोल्ट कंडेंसर पे क्लियर आ गए, 325 वोल्ट आ गया। और इसमें और एक चेक करने की बात है, जो दो वायर है पंप में जाते हैं, यहाँ पे वोल्टेज देखिए, यहाँ पे कुछ भी वोल्टेज नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं आता है, इसका मतलब चार्जर ख़राब नहीं हुआ है, चार्जर ख़राब हुआ ऐसा नहीं हो सकता। ये देखिए, यहाँ पे देखिए 15 वोल्ट आ चुका है। ये देखिए, दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पे 15 आ गया, लेकिन चार्जर का जो ये आउट वायर है यहाँ पे वोल्टेज नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे यहाँ वोल्टेज है लेकिन इधर वोल्टेज नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया इसका कॉमन, यहाँ पे वोल्टेज है 15, यहाँ पे भी है, यहाँ से एक रजिस्टर है यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे रजिस्टर नहीं, रजिस्टर के इधर के हिस्से को लाइट नहीं आ रहा है। ये देखिए, मैं सीधा करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इधर वोल्टेज है लेकिन इधर नहीं आ रहा है। ये देखिए, देखने की कोशिश करें, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपके। ये देखिए इधर, तो ये जो रजिस्टर है वो रजिस्टर अपना ओपन है। दोस्तों, अपन अभी ये रजिस्टर चेक करेंगे, जो रजिस्टर बोला था तुमको, 1 ओम्स का रजिस्टर है, 1 ओम्स का रजिस्टर है। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे कुछ भी कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है, तो ये रजिस्टर ख़राब है। चलिए दोस्तों, ये रजिस्टर अपन नया डाल के चेक करते हैं इसको, ओके। चलिए दोस्तों, ये जो रजिस्टर था अपना, ये हाफ वैट का रजिस्टेंस है, लेकिन मेरे पास हाफ वैट अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्वार्टर वैट के कभी 2 डालूँ तो इसका हाफ वैट ऑन हो जा ओके हो जाता है, ये हाफ वैट का बन गया। ये देखिए, मैं ऐसा इसको हाफ वैट बना देता हूँ और इसको इंस्टॉल भी कर दूंगा।
देखिए दोस्तों, आपने हाफ वेट के दो क्वार्टर वेट के दो रजिस्टर डाल दिए, इसका हाफ वेट बन गया। अभी इसका अपन इधर वोल्टेज चेक करते हैं ए पॉइंट में। नहीं देखिए, ग्रीन लाइट जल गया। देखिए दोस्तों, इसमें वोल्टेज आ चुका है 13.5, 13.5 वोल्टेज आ चुका है। तो ये देखिए दोस्तों, ऐसे ही मैं पंप को, स्प्रे पंप को लगा देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें आपने इंस्टॉल कर लिया, इधर भी वोल्टेज आ गया, ये देखिए। और मैं पंप का चार्जर निकालती है, वोल्टेज 13.5 ऐसा रहना चाहिए। ये देखिए 13.5 वोल्टेज आ चुका है। चार्जर दोस्तों ओके हो गया। खाली 2 रुपए के रजिस्टर में अपना जो स्प्रे पंप का चार्जर है, दो रुपए में ओके ओके दोस्तों। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।